वो प्रोग्राम फिर क्या जारी रहा, उस टाइम तो बढ़ गया। ਫੈਸ਼ਨ ਨੇ ਜਗਰੀਤ ਨੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਕੀਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ। जब सुनते हैं यूनिवर्सिटी और माहौल होता है, कॉलेज का और माहौल होता है, स्कूल का और माहौल होता है, तो आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, वाकई काश हम भी यूनिवर्सिटी में जाएं, हमें भी अच्छा प्रोटोकॉल मिले। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप, आई होप के सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है जी आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यूनिवर्सिटी में बनाने वाला हूं, तो मेरी यूनिवर्सिटी में होने वाला है जी आज एक फंक्शन, ठीक है। तो ओलंपाइड के नाम से एक फंक्शन होने वाला है जिसमें ना एक कंपटीशन होगा, तो मैं आपको कंपटीशन भी दिखाऊंगा और अपनी यूनिवर्सिटी भी विजिट करवाऊंगा। तो गाइस बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं जी वीडियो की जानब और आपको मैं फंक्शन दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं जी। तो गाइस जैसे यूनिवर्सिटी में इंटर होते हैं तो ये एंट्रेंस है और इधर जो पार्किंग वगैरह का एरिया है और इधर आप देख लें जी बागीचे वगैरह फूल शूल लगाए हुए हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जी जहाँ पे इवेंट होने वाला है, ऑडिटोरियम में फंक्शन हॉल है जी जहाँ पे फंक्शन वगैरह अरेंज किए जाते हैं। और मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त भी हैं इधर और उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा, ठीक है। पहले अपना तारुफ करवा दें भाई जी। मेरा नाम मोहम्मद सजाद है। मोहम्मद सजाद, हाँ जी हाँ जी। और मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हूँ। सही। और मेरा सेवन सेमेस्टर है। सेवन सेमेस्टर। और मैं और शिव से बिलोंग करता हूँ। सही। वैसे मैं रही मेरा पहले आया था जब मेरा एडमिशन हुआ था, पहले मैं रही मेरे को नहीं जानता था, लेकिन माशाल्लाह आप काफ़ी पहचान हो गई है। रही मेरा अच्छा सिटी है और मुझे मिलकर खुशी हुई इन लोगों से, ठीक है। ज़बरदस्त। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मैं कुछ और दोस्तों से मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक दोस्त हैं, तो अस्सलाम वालेकुम ताहिर। वालेकुम सलाम। ठीक है ताहिर भाई, पहले ये बताओ मुझे कि आप कौन से सेमेस्टर में पढ़ते हो, इधर कौन सी क्लास है आपकी? यार हमारा डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स, सेमेस्टर है हमारा सेवन्थ और मॉर्निंग में हम आते हैं, दोपहर को वापस चले जाते हैं। दोपहर को? अच्छा दोपहर को वापस चले जाते हैं। जी, जी। अच्छा अभी इधर कौन सा फंक्शन अरेंज होने वाला है, कोई फंक्शन हो रहा है इधर? आज ना हमारा डिपार्टमेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा रहा है ओलंपियाड। ओलंपियाड मैथ डिपार्टमेंट लड़ रहे हैं, इधर देखो इधर कैमरा देखो, ये मैथ डिपार्टमेंट लड़ रहा है। मैथ डिपार्टमेंट में इनकी कमी नहीं है वैसे। देखे एक है वो ऊपर वाला वाइट है ना, ये चौधरी अदनान है, और ये ब्लैक वाला मलिक सजाद है। ये एक मलिक सजाद एक लड़की है। अच्छा छोड़ यार ताहिर, तो बता क्या करने वाले हैं इधर? अच्छा हमारा डिपार्टमेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा रहा है ओलंपियाड, ठीक है, जिसमें हमारे पूरा जिला रहीम अर खान है, जिसमें सिटी रहीम अर खान है, सचकाबाद है, खानपुर है, वहाँ से जो है ना डिफरेंट कॉलेजेस के मतलब जो बीएस प्रोग्राम में मैथमेटिक्स में जो बीएस कर रहे हैं वो बच्चे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा जी, कंपटीशन हो रहा है, क्विज कंपटीशन आप कह सकते हैं। अच्छा आपने भी पार्टिसिपेट किया है? नहीं मैंने क्विज में तो नहीं पार्टिसिपेट हुए, हमने इंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखना होता है, तो हमारे जो मेहमान आ रहे हैं तो उनकी इंटरटेनमेंट का जिम्मा हमारे सर पर है। सही होगा, कोशिश करेंगे उन्हें इंटरटेन। तो आपको किस चीज में हिस्सा मिला है? यार एक तो मैं थोड़ी स्टैंड अप कॉमेडी करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा बच्चों के हवाले से, और एक दो दोस्तों को बेइज्जता करूंगा, ठीक है, और उसके बाद डिपार्टमेंट की थोड़ी सी तारीफ करेंगे ताकि टीचर्स की नज़र में हम थोड़े अच्छे बन जाएं, वो सेशन मार्क्स पूरे लगा के दे दें, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ सुबह से घूम रहे हैं, आना तो हमने एक बजे था लेकिन हम सुबह से आ गए हैं कि टीचर की नज़र में आ जाएंगे ना, थोड़े नंबर शंबर मिल जाएंगे। चलें सही हो गया। तो भाई चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं कहाँ पे फंक्शन अरेंज होने वाला है, तो फंक्शन हॉल ताहिर भाई हमें विजिट करवाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देख लें जी स्टेज की डेकोरेशन कुछ इस तरह की है, अभी तो स्टेज खाली है लेकिन देख लें आहिस्ता आहिस्ता जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो स्टेज पे आना स्टार्ट हो गए तो फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले हॉल बिल्कुल खाली था और अभी जैसे इवेंट स्टार्ट होने का टाइम आया तो देखें भरना स्टार्ट हो गया, तो थोड़ी ही देर में ये जो हॉल है कम्प्लीटली भर जाएगा। और इधर भी हमारे जो गेस्ट वगैरह बैठने के लिए आ रहे हैं, तो ये गेस्ट के लिए इधर बड़ी चेयर्स लगाई हुई हैं और बाकी स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के आ रहे हैं वो इधर बैठेंगे। तो ये देख लें फ्रेंड्स, तो गर्ल्स वगैरह भी इधर मतलब साथ ही पढ़ती हैं यूनिवर्सिटी में, जो कंबाइंड क्लास होती है तो इसलिए गर्ल्स भी इधर ही हैं और बॉयज़ भी।
तो सुनते हैं जी, पहले एक स्टूडेंट जो है वो सॉन्ग परफॉर्म करेगा, सॉन्ग सुनते हैं हम, बाद में जी बाकी एक्टिविटीज देखेंगे। अभी एक घंटे के ब्रेक में लिया, ठीक है, तो हमारी जो टीम्स वगैरह पार्टिसिपेट कर रही थी वो भी बाहर आके बैठ गई, और ये देखें जी स्टूडेंट्स ऐसे मतलब थक के बैठे हुए जैसे पता नहीं सुबह का इन्होंने क्या पहाड़ ढाया है, हालांकि सिर्फ दो राउंड ही जीते हैं। और आप लोग की टीम भी शामिल थी, आप लोग तो टीम विनर हो यार, ठीक है, तो आप दोनों की टीम्स थी, तो बताओ कि टेस्ट किस तरह का था, ज़्यादा मुश्किल था कि ईजी था? हमारा नहीं पढ़ा हो तो उनका प्रोग्राम बढ़ गया और हमारा पढ़ के बढ़ गया नहीं मतलब एक एक एमसीक्यू ज्यादा था, वो भी गलती से गलत हो गया। क्वार्टर फाइनल के लिए, क्वार्टर फाइनल के लिए आप क्वालिफाई करोगे कि नहीं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले, और हमारा एक और भाई भी था जो कि ओलंपियाड के लिए बहुत ही ज्यादा ना पुरजोश था और रात सारी उसने तैयारी की है, ठीक है, तो मिलते हैं इनसे। तो सनान भाई क्या हाल है? वालेकुम सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, तबीयत से ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अच्छा बताओ, आपने भी मतलब के पार्टिसिपेट किया था इसमें, तो कैसा हुआ आपका टेस्ट? अल्हम्दुलिल्लाह पहला राउंड तो बहुत अच्छे से गया है, जबरदस्त हुआ, जबरदस्त गया, बी कॉन्फिडेंटली दिया है और कॉन्फिडेंटली बड़े अच्छे नंबर आए हैं और मैम पास कर लिया, पास हो गया। दूसरा जब राउंड दिया है तो उसमें ना थोड़ी रॉकेट साइंस इस्तेमाल हुई हुई थी और मुझे से वो समझ ही नहीं आ रही डॉक्टर साहब ने जो लिखा था वो क्या लिखा था। अच्छा, मैंने तो वो देख के ही ऐसे रॉकेट साइंस, मैंने कहा ऐसे। अच्छा, जब फर्स्ट राउंड तो चलो आप क्वालिफाई हो गए, उसके बाद सेकंड राउंड के लिए आप जारी रहे कि नहीं? वो प्रोग्राम फिर क्या जारी रहा, उस टाइम तो बढ़ गया मतलब आप उसी टाइम बाहर हो गए? बाहर हो गए भाई, रॉकेट साइंस इतनी थी, कहाँ जाना था आगे चलो ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, इधर ना यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी कॉलेजेस के बाहर के लोग भी इनवाइट किए हुए थे जिन्होंने के पार्टिसिपेट किया है इवेंट के अंदर, और उसके अलावा जो है ना मतलब वो किधर से आए हैं उनसे मिलते हैं और उनसे हाल चाल पूछते हैं, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो, तबीयत से ठीक है? तो आप कौन से कॉलेज से आए हैं? मैं पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खानपुर से, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खानपुर। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो है ना हमारा इधर जो सिटी है ये रहीम यार खान है, और ये साथ ही एक और सिटी लगता है खानपुर, तो ये भाई उस खानपुर में एक कॉलेज है पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से आए से। तो आपके साथ कितनी टीमें आई हैं उधर से? हमारे साथ तकरीबन 10 टीमें आई हैं। 10 टीमें आई हैं, तो फ्रेंड्स एक टीम में ना तीन जो मेंबर होते हैं, तो इनके साथ 10 टीमें यानी कि 30 मेंबर आए हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आईयूबी का माहौल? फर्स्ट टाइम विजिट किया, अभी कुछ ही विजिट किया है, फिलहाल तो फिलहाल अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। तो इनका अरेंजमेंट वगैरह इधर किस तरह का किया हुआ था आपको, मतलब ऑनर को रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट मिली है कि नहीं? अरेंजमेंट अच्छा था, फर्स्ट टाइम आए उधर टेस्ट दिया है, टेस्ट देने के बाद हॉल में गए हैं, वहाँ पे अच्छा रिस्पेक्ट दिया है, सही हो गया, ठीक है। तो अभी आपने कितने राउंड खेले हैं गेम के? अभी दो राउंड थे, एक इन्वेजर था, एक टीम कम्पटीशन था, तो उसमें तो विन नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो बाकी क्लास है उसने विन किया है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं यार, बिल्कुल पता चल जाएगा, फाइनल में पता चल जाएगा। किया था, ऐसे होता है ना। तो अभी मतलब आपकी जो 10 टीमें उधर से आई हैं, तो आपको उम्मीद है कि क्वार्टर फाइनल में उनके कोई क्वालिफाई करेगी? हमारी टीम इंशाल्लाह फाइनल में जाएगी, बिल्कुल फाइनल में जाएगी, सही हो गया। तो आपका भी मतलब एक दिल में होता है कि यार मैं भी काश यूनिवर्सिटी में करता, तो क्या ऐसी फीलिंग पैदा हुई आईयूबी में आके? जब भी आप किसी एक न्यू एरिया में आते हैं ना, आपको फीलिंग होती है, जब सुनते हैं यूनिवर्सिटी और माहौल होता है, कॉलेज का और माहौल होता है, स्कूल का और माहौल होता है, तो आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, वाकई काश हम भी यूनिवर्सिटी में जाएं, हमें भी अच्छा प्रोटोकॉल मिले, चलें हर बात की ख्वाहिश होती है, गुड हो गया, चलें ठीक है, अल्लाह ताला जो है आपका ये एम भी पूरा करेगा, ठीक है, ओके सर, ओके थैंक यू। तो फ्रेंड्स वेलकम है जी दोबारा से एक बार फिर इवेंट हॉल में, और इधर जो है कंपटीशन जारी है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इधर जो है ना मैथ कंपटीशन होने वाला है, तो स्टूडेंट की जो टीम्स हैं वो साइड पे खड़ी हैं और कंपटीशन जो है देख लें सामने अपने
सामने प्रोजेक्टर से जो क्वेश्चन शो करवाया जाता है और बाद में वो उसके आंसर देते हैं। तो अभी सुनते हैं जी फनी पोएट्री। तो मेरा क्लास फेलो है ताहिर, आप मिल चुके हैं उनसे, तो वो अभी फनी पोएट्री कर रहे हैं। चीसे चिट्टे मूंह थले